भी हमारे लुकमान चाचा को हमारा जनता नुस्ख की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, 3 नंबर वार्ड से जो चुन के आए, तो जनता के लिए क्या बोलना चाहिए? अजंता की जनता के लिए मुबारकबाद देना चाहिए, जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने भारी बहुमत से मुझे जो है चुन के दिए, और मैं उनके लिए रात दिन खड़ा रहूँगा, कोई उनका अन्याय नहीं होगा, न्याय करते रहूँगा और वार्ड का पूरा काम। उम्र लगे उम्रा अब्दुल अजीज भैया वहाँ जाए, वहाँ वहाँ पे उन्हें दुआ करा, इधर पूरा काम अच्छा होगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगी सही उम्र की दुआ हमारे को कामयाब होगी। ये आज का जो चुनाव हुआ ये टेली मेवाती की जीत है, सभी समाज के लोगों की इसमें सहकार्य रहा है। एकता से वोट करे, हिंदू मतदान पूरा वन साइड करके, और अपने मुस्लिम मतदान भी अच्छा होने की वजह से अपनी सीट जो 221 वोट से मिली, ये अपनी जीत है, ये फाइनल की जीत है अपनी। तो दोस्तों जीत की सभी मुबारकबाद दे रहे लुकमान चाचा को। ये देखिए 3 नंबर वार्ड का जो इलेक्शन हुआ, जो अजंता शहर ग्राम पंचायत का, तो ये सभी लोग देखिए अजंता के जो तमाम लोग जो मुबारकबाद दे रहे हैं, सभी देखिए आपको नज़र आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले तमाम लोगों से बात करने वाले, लुकमान चाचा से बात करने वाले, मंदान भाई से बात करने वाले, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिल्लोड, जो रिजल्ट है जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन 3 नंबर वार्ड का, तो आपको हम बता रहे हैं कि लुकमान चाचा चुके, तो हम यहां देखिए सत्तार सिंह के ऑफिस के बाहर है जो आपको नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं लुकमान चाचा से भी आपको हम बात कराते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो हमारे साथ महमूद भाई, और महमूद भाई के बाद हम चलते हैं अंदर हमारे जो मैं उनको सभी को मुबारकबाद देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए हमने वीडियो बनाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अजंता ग्राम पंचायत का 3 नंबर वार्ड का जो इलेक्शन था, तो उसमें जो लुकमान चाचा की जीत हो चुकी है। तो ये देखिए रिजवान भाई और मन्नान भाई यहाँ मौजूद है। तो मन्नान भाई मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलना चाहिए अजंता की जनता को? मुबारकबाद देते हैं तो फिर से लुकमान भाई को चुन के लेके आए, तो क्या बोलना चाहिए आप? हमने हमारा हिंदू समाज का पूरा मतदान लुकमान भाई को दिए, एक अट्ठा मतदान। तो हमारे भास्कर बाबू भी हैं, भास्कर बाबू क्या बोलना चाहिए? भास्कर बाबू ये बोलना चाहते हैं हमारे ये डंके के ऊपर जीत हुई, और जो अब्दुल अजीज भैया का पैनल था हमको 101 तक की गारंटी थी कि हमारे लुकमान भाई सेठ बहुत 200-300 मतों से विजय होंगे। हमको बहुत खुशी है और गांव वालों को भी खुशी है। क्यों? कि अब्दुल अजीज भैया का जो गांव के ऊपर वजन है, वो कोई भी ऐसा पैनल हो या कोई ऐसा उम्मीदवार है ऐसा कोई नहीं है जो कि क्या उनके मतलब टक्कर में लड़ सकता। इसके भी बाद हमारा अगली बार अब 2 साल के बाद नगर पंचायत का चुनाव है। हाँ, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई ऐसे हंस मिल के रहते, अगली बार भी हमारे 21 की बॉडी दंगे की चोट पे चुन के आएंगी, ये मैं वादा करता हूँ और वचन देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ सत्तार सेठ के ऑफिस के बाहर है, तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ इरफान भाई भी उनके लड़के लुकमान चाचा के, चलते अंदर आपको जो मुबारकबाद देते लुकमान चाचा को खन्ना भाव, और जो सभी लोग मौजूद है, दिलीप भाव मौजूद है। तो खन्ना भाव बहुत बहुत मुबारकबाद आपके पैनल से जो सीट चुन के आया, तो क्या बोलना चाहिए? अच्छा, बहुत लोग नाम रख रहे थे हमको आने के लिए, जाने के लिए, पर हमारा विजय हो गया, लुकमान भाई का विजय हो गया। दिलीप भाई क्या बोलना चाहिए आप? गरीब से नेता अभी हमारे लुकमान चाचा को हमारा अजंता नुस्खी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, 3 नंबर वार्ड से जो चुन के आए, तो जनता के लिए क्या मैसेज क्या बोलना चाहिए? जनता के लिए तो जनता के लिए क्या बोलना चाहिए? अजंता की जनता के लिए मुबारकबाद देना चाहिए, जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने भारी बहुमत से मुझे जो है चुन के दिए, और मैं उनके लिए रात दिन खड़ा रहूँगा, कोई उन पर अन्याय नहीं होगा, न्याय करते रहूँगा और वार्ड का पूरा काम करूँगा, और भ्रष्टाचार को जो है तो लगाम लगाऊंगा, ना करने दूंगा, ना कुछ जो काम विकास के है वो मैं उसमें साथ दूंगा, और जो इल्लीगल जो काम करते हैं ग्राम पंचायत का सरपंच उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, बहुत से काम अभी जो 4 पॉइंट 3 पॉइंट है अजंते के, मेन 3 पॉइंट है टर्निंग पॉइंट जो एंट्री करते हैं अजंते में रोड की, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? एक वागुर नदी का गेट है, वहाँ क्या रोड नहीं बने हुआ है, उसके बाद में जो अजंता बस स्टॉप है। हाँ, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति का काम है, पारों के उसमें लेवा है, उसको
कुछ काम उसमें अधूरा है, उसको जो है तो आमदार साहब हमारे मिनिस्टर साहब ने बोले वादा करे कि हम उसको पूरा काम करके दूंगा करके, सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो स्कीम है उसकी, ग्राम पंचायत से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं लुकमान चचा को जो आप 3 नंबर वार्ड से चुन के आए। कितने वोटों से आए आप? 231 से लीड है मेरे को, 981 मिले ना, 985 वोट मिले उसमें से 231 की लीड है। सभी वोट देने वालों को क्या बोलना चाहिए? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, उनका बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, कि उन्होंने मेरे को भारी मोहब्बत से तन मन धन लगा कर मेरे लिए रात दिन मेहनत करके मेरा साथ दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँ। तो ये थे लुकमान चचा जो 3 नंबर वार्ड से, अभी अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में आपको हमने जानकारी दी, तो बने रहे, पूरी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद है हमारे, खन्ना बहुत, धनलाल बहुत, तमाम जो आपको नजर आ रहे हैं। 27 के लिए गई, दूसरे उसमें 27 के लिए, तीसरे उसमें 49 के लिए गई। अच्छा, तो पूरे मिला 231 टोटल हो गया। तो 231 से जो पूरे 231 की लीड से चुन के आए लुकमान चचा, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। लुकमान चचा के लिए क्या बोलना चाहिए? एजेंडे के लिए हमारे उम्मीदवार जो चुन के आ गया है, ये काम की बदौलत, काम जो करता वो कभी हार नहीं मानता, जो काम करेगा तो उसको भगवान अल्लाह ताला उसको बराबर कामयाब करता, और काम नहीं करेंगे तो मैं तो बोलना चाहती हूँ कि हमारी दुआ लुकमान सेठ को, उम्र से लगी उम्र अब्दुल अजीज भैया वहाँ जाए हुआ है, वहाँ से उन्हें दुआ करा, इधर पूरा काम अच्छा होगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगी सही उम्र की दुआ हमारे को कामयाब होगी। तो दुर्गा ताई हमने बात करे थे, तो दिलीप भाई से बात करने वाले हम यहाँ, तो दिलीप भाई क्या बोलना चाहेंगे? ये आज का जो चुनाव हुआ ये टेली मेवाती की जीत है, सभी समाज के लोगों की इसमें सहकार्य रहा, और हमारे लुकमान भाई 231 वोटे से चुन के आए, सिंदेगढ़ के 70 सीट के सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। तो हमारे समी भाई अभी अभी आए, समी भाई को भी मुबारकबाद देते हैं, क्या बोलना चाहिए समी भाई? भाई हमारे जो अजिंता के मुस्लिम, दलित, तेली, देशमुख मतदान में वोट निवर्णों में जो सबने एकता से वोट करे, हिंदू मतदान पूरा वन साइड करके, और अपने मुस्लिम मतदान भी अच्छा होने की वजह से अपनी सीट जो 221 वोट से मिली, ये अपनी जीत है, ये फाइनल की जीत है अपनी, और ये सब एकता से अपने ताकत लगा के जितने उसकी जवाबदारी लेके ये काम करके ये जीत दिलाई अपनी, और ये लोगों ने बता दिया ये लोग नहीं चलते। तो देखते हैं अभी पूरी पूरी जानकारी देखते हैं अभी पूरे, देखिए सभी लोग बैठे हुए यहाँ। तो दोस्तों लुकमान चचा चुन के आ चुके हैं, और आपको पूरी जानकारी हमने वीडियो में दी है, मंत्री अब्दुल सत्तार साहब जो उनको मुबारकबाद देने आ रहे हैं, तो इसके बाद के पार्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए, हम तमाम लोगों से हमने बात की है वीडियो में, तो आपने देखे।